संत आसाराम जी बापू जोधपुर की एम्स हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो देश विदेश से एक ही मांग उठ रही है कि संत आसाराम जी बापू को बेल मिलनी चाहिए। डेफिनेटली मिलनी चाहिए, प्लस कोरोना के टाइम में सरकार ने अभी इतने सारे कैदियों को रिहा किया हुआ है जेल में से कोरोना की वजह से, तो आसाराम जी बापू जी के साथ मानव अधिकार भी क्यों सामने नहीं आ रहा है और बापू जी की बेल में हर बार क्यों रुकावट आ रही है। रिलीजियस पार्लियामेंट में स्वामी विवेकानंद के बाद 1992 में भारत का नेतृत्व परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने ही किया था। इतनी देर स्वामी विवेकानंद जी को आदर से लोगों ने सुना था, उससे कई देर ज़्यादा तक पूज्य बापू जी को वहाँ लोगों ने सुना था और भारतीय संस्कृति का डंका उन्होंने पूरे विश्व में 1992 में बजाया था। स्वयं आसाराम जी बापू के द्वारा जो देवी कार्य चल रहे हैं ना, उनकी गिनती तो हो ही नहीं सकती आज के समय में भारत में। पर मैं आप जनता की भी बात करूँ ना, उन्हें हीरो हीरोइंस का कुछ आएगा तो तुरंत वो सामने आके बोलेंगे, ट्रेंड करेंगे, ट्रोल करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। डेफिनेटली इसको आप षड्यंत्र बोलो, अन्याय बोलो, सबसे बड़ी मैं तो बोलूँगा भारत का दुर्भाग्य है कि न जनता जाग रही है, क्या केस आता है बस उनको टेक ओवर करके बस टाल दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है। पर ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप खाली एक मानव अधिकार की बात करो तो उनका भी एक अधिकार बनता है कि वो जहाँ चाहे वहाँ अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लगातार आप लोग देख रहे हो कि देश विदेश से एक ही मांग उठ रही है कि संत आसाराम जी बापू को जमानत मिलनी चाहिए। तो अभी संत आसाराम जी बापू जोधपुर की एम्स हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो देश विदेश से एक ही मांग उठ रही है कि संत आसाराम जी बापू को बेल मिलनी चाहिए। युवा है, उनसे बात करेंगे, क्या कहोगे संत आसाराम जी बापू जोधपुर की एम्स हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, क्या उनको बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? डेफिनेटली मिलनी चाहिए। आप बापू जी के सारे देवी कार्यों की बात करें तो बहुत समय लग जाएगा, पर एक सीधा मानव अधिकार के रूप में आप देखने जा, आज उनकी 85+ अभी उम्र चालू है उनकी, प्लस कोरोना के टाइम में सरकार ने अभी इतने सारे कैदियों को रिहा किया हुआ है जेल में से कोरोना की वजह से, तो आसाराम जी बापू जी के साथ मानव अधिकार भी क्यों सामने नहीं आ रहा और बापू जी की बेल में हर बार क्यों रुकावट आ रही है। मैं तो बोलता हूँ ये सारी रुकावटें नहीं आनी चाहिए और बापू जी को जल्द से जल्द वहाँ से पेरोल मिलनी चाहिए या बेल मिलनी चाहिए और बापू जी जहाँ चाहे जिस तरीके से वो खुद उस लिए स्वतंत्र है कि वो अपना ट्रीटमेंट जहाँ चाहे वहाँ करवा सकते हैं, उसके लिए उनको ज़रूर रिहा करना ही चाहिए। मेरे को तो यही सबसे बड़ा घोर कलयुग लगता है। लोग ये चीज़ भूल चुके हैं कि भारत का वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में स्वामी विवेकानंद के बाद 1992 में भारत का नेतृत्व परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने ही किया था, मैंने उनके साहित्य में पढ़ा है। और जितनी देर स्वामी विवेकानंद जी को आदर से लोगों ने सुना था, उससे कई देर ज़्यादा तक पूज्य बापू जी को वहाँ लोगों ने सुना था और भारतीय संस्कृति का डंका उन्होंने पूरे विश्व में 1992 में बजाया था। तो उस तरीके से आप देखा जाए तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जा रहा है, वो राजनेता ये सब लोग लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो रहे, पिक्चर के हीरो ये सारी चीज़ें, पर मैं आप जनता की भी बात करूँ ना, उन्हें हीरो हीरोइंस का कुछ आएगा तो तुरंत वो सामने आके बोलेंगे, ट्रेंड करेंगे, ट्रोल करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। पर आज एक साधारण इंसान की तरह भी अगर जनता और पॉलिटिशियन और सारे व्यवहार करे तो भी बापू जी को तो बेल मिलनी ही चाहिए और डेफिनेटली मिलनी चाहिए। और उनके आप समाज कार्य की बात करने जाओ ना तो उसका कोई अंत ही नहीं है। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तो हमारे स्कूल के अंदर आसाराम जी बापू आश्रम के लोग आए थे और उन्होंने फर्स्ट टाइम हमें बताया कि वहाँ पर विद्यार्थियों के उत्थान का शिविर का प्रोग्राम चल रहा है, तो उन्होंने हमारी पूरी स्कूल को पर्सनल व्हीकल करके पूरी स्कूल्स को यहाँ पे लाया था। और फर्स्ट टाइम जब मैंने आश्रम में आके ये चीज़ें देखी कि यहाँ किस तरह से भारत का उत्थान हो रहा है, कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इतने अच्छे संस्कार, वो सारी चीज़ें मिली, उसी की बदौलत आज मैं एक अच्छी पोस्ट पे और अच्छी तरीके से जीवन व्यापन कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ अभी मैं गुरुकुल में भी अपनी सेवा देता हूँ, तो यहाँ के बच्चे ऐसी ऐसी जगह जाके, मतलब पूज्य बापूजी के जो देवी कार्य चलते हैं उन सारी चीज़ों को देख के आज वो ऐसी ऐसी जगह जाके भंडारा करते हैं, 7,000-8,000 लोगों में कपड़े, उनके दिवाली की मिठाई और कैलेंडर, साहित्य बच्चों को पढ़ने के लिए, नोटबुक, चप्पल, बूट, सारी चीज़ें, लाखों रुपए का वितरण जो उन्हें साल भर पैसा मिलता है, उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके ऐसी ऐसी जगह जाके वितरण करते हैं जहाँ कोई भी संस्था या कोई भी राजनेता या कोई पॉलिटिशियन वहाँ पहुँच ही नहीं पाता। ये तो मैं आपको उनके बच्चों की बात कर रहा हूँ। स्वयं आसाराम जी बापू के द्वारा जो देवी कार्य चल रहे हैं ना, उनकी गिनती तो हो ही नहीं सकती आज के समय में भारत में। कहीं ना कहीं संत आसाराम जी बापू के साथ और अन्याय हो रहा है और एक षड्यंत्र हो रहा है। डेफिनेटली इसको आप षड्यंत्र बोलो, अन्याय बोलो, सबसे बड़ी मैं तो बोलूँगा भारत का दुर्भाग्य है कि ना जनता जाग रही है, ना जनता उनके खिलाफ कोई चीज़ के लिए कि भाई उनको बेल मिलनी चाहिए उस तरीके की कोई आवाज़ उठा रही है ज़्यादा, और ना ही पॉलिटिशियंस उठा रहे, ना ही प्रशासन या कोई भी चीज़ उस तरीके से कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा, बस
उनका केस आता है बस उनको टेक ओवर करके बस टाल दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है। पर ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप खाली एक मानव अधिकार की बात करो तो उनका भी एक अधिकार बनता है कि वो जहाँ चाहे वहाँ अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और लगातार आप लोग देख रहे हो कि देश विदेश से एक ही मांग उठ रही है कि संत आसाराम जी बापू को जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो समाज उत्थान के कार्य किए वो देखते हुए और काफ़ी लोगों के जीवन परिवर्तन किए संत आसाराम जी बापू ने, और कम से कम उनकी उम्र को देखते हुए उनको जमानत मिलनी चाहिए। कैमरामैन इंजन के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।